गाय के दोनों सिंगों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो गाय के दोनों सिंगों के मध्य का भाग कहलाता है चांद, चांद कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मुर्गी औसतन कितने माह में अंडे देना प्रारंभ कर देती है? तो एक स्वस्थ मुर्गी 6 माह में अंडे देना प्रारंभ कर देती है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, और सेकंड पर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु सेकंड पर आता है अंडा उत्पादक में। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम गर्भाधान में अनुपात होता है? तो प्राकृतिक और कृत्रिम गर्भाधान में अनुपात होता है 1:10। फिफ्थ क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दूध में आयरन की कमी पाई जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पशु की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो पशु की खोपड़ी में कुल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती है पशु की खोपड़ी में? 30 हड्डियां। सेवंथ क्वेश्चन है, भैंस की गर्भकाल की अवधि को औसतन कितने दिनों की होती है? यानी कि हमारी जो स्वस्थ भैंस होती है उसकी गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है? तो उसकी होती है 307 दिनों की। आठवां क्वेश्चन है, पशुधन की जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पशुधन की जनगणना की जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, दूध में मौजूद सभी घटकों में से अधिकतम भाग किसका होता है? तो दूध में उपलब्ध सभी घटकों में से अधिकतम भाग होता है वसा का, फेट का। किसका होता है? फेट का। और सबसे ज़्यादा एक बात और ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा वसा कौन सी भैंस के दूध में पाई जाती है? तो पाई जाती है भदावरी के दूध में। दसवां क्वेश्चन हमारा, सूरती भैंस की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो इसका सूरती भैंस की नस्ल उसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात। इलेवंथ क्वेश्चन है, स्ट्रिप का परीक्षण इनमें से किस रोग में किया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, स्ट्रिप का परीक्षण थनेला रोग में किया जाता है। बारहवां क्वेश्चन हमारा, बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है? तो जो सानेन बकरी हमारी, इसे दूध की रानी कहा जाता है। थर्टीन क्वेश्चन है, एक स्वस्थ पशु 24 घंटे में या एक दिन बोल सकते हैं हम इसे, एक दिन या 24 घंटे में कितने घंटे जुगाली करता है? तो ये करता है एक स्वस्थ पशु 8 घंटे जुगाली एक दिन में। चौदह क्वेश्चन हमारा, विश्व में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक किस देश में पाई जाती है? तो विश्व में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया कंट्री में देश में पाई जाती है। 15 क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला मिलिट्री डेयरी फार्म कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में सबसे पहला मिलिट्री डेयरी फार्म खोला गया। 16 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल कालीन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो बीकानेरी जो भेड़ होती है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है, कालीन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। 17 क्वेश्चन है, सबसे अधिक मृत्यु दर पशुओं के किस रोग में होती है? तो पशुओं को एक लंगड़ी रोग होता है जिसमें सबसे अधिक मृत्यु दर होती है, यानी कि अगर ये रोग हो गया तो सबसे ज़्यादा पशु इसी रोग में मरते हैं। यानी यदि हमारे पास जैसे कि बाकी रोगों की तुलना में देखें तो लंगड़ी रोग अगर पशु को हो जाता है तो इसमें पशु के मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। 18 क्वेश्चन है, टोंड दूध में, सुना होगा आपने टोंड दूध, डबल टोंड दूध आते हैं, टोंड दूध में वसा रहित ठोस यानी ऐसे ने सॉलिड नॉट फैट पदार्थ कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो पाया जाता है 8.5%। 19 क्वेश्चन हमारा, वहाँ कौन सा पशुओं का रोग है जो मुख्यतः गाय को होता है? तो होता है पशु प्लेग रोग मुख्यतः गाय को होता है। नेक्स्ट है, गाय के सिंग पर 4 छल्ले बने होने पर उसकी आयु क्या होगी? तो गाय के सिंग पर 4 छल्ले बने होने पर उसकी आयु होगी 6 वर्ष। कितने वर्ष होगी? 6 वर्ष। बफेलो बिलोंग्स टू फैमिली, यानी हमारी गाय और भैंस किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर बोविडी। इसका आंसर क्या है? बोविडी ए। सेकंड क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल टेम्परेचर फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम बाय सेंट्रिफ्यूगल क्रीम सेपरेटर। देखिए, जो सेंट्रिफ्यूगल है वो एक क्रीम सेपरेशन की मेथड है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर क्या है सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्रीम सेपरेशन के लिए? तो इसका आंसर 40 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लीगल स्टैंडर्ड फॉर एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट कंटेंट ऑफ शीप एंड गोट मिल्क, यानी जो हमारी बकरी व भेड़ होती है उसके दूध में सॉलिड नॉट फैट का कंटेंट औसतन कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 9.0% इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है हमारे मिल्क की? तो इसका आंसर बी, 0.93। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, द फैट कंटेंट ऑफ प्लेन आइसक्रीम, यानी फैट कंटेंट कितना होना चाहिए प्लेन आइसक्रीम में? तो इसका आंसर बी, 10%। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन इन मिल्क एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, यानी प्रोटीन हमारा दूध में किस फॉर्म में पाया जाता है? तो इसका आंसर है कोलाइडल। बहुत बार हम इसका आंसर इमल्शन कर देते हैं लेकिन इमल्शन इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है कोलाइडल। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, कर्ड टेंशन ऑफ दही, यानी कर्ड टेंशन
क्या होती है दही की, मतलब कड़ी टेंशन कैसी होती है दही की। तो इसमें हमें लॉजिकल ऑप्शन दिए, रिमेंस कॉन्सिस्टेंट, हायर देन मिल्क, इज लोअर देन मिल्क, नॉन ऑफ देवो। तो इसका आंसर आएगा इज लोअर देन मिल्क, कड़ टेंशन ऑफ दही इज लोअर देन मिल्क। 8th क्वेश्चन हमारा, द टाइम टेम्परेचर फॉर कॉम्बिनेशन इन प्लेट पास्चुराइजेशन, ये पास्चुराइजेशन है पूरा वर्ड, पास्चुराइजेशन नहीं पास्चुराइजेशन है पूरा वर्ड, द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन इन पास्चुराइजेशन। तो इसका आंसर है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th, यूएसटी मिल्क हीटेड टू ए टेम्परेचर, यूएसटी मिल्क हीटेड टू ए टेम्परेचर। तो इसका आंसर है 145 डिग्री सेल्सियस। 10th क्वेश्चन हमारा, लैक्टिक एसिड कंटेंट इन फ्रेश मिल्क, यानी कि लैक्टिक एसिड कंटेंट कितना होता है हमारे फ्रेश मिल्क में। तो इसका आंसर है 0.10%, 0.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लेवरिंग कंपाउंड फॉर बटर, यानी कि आपने देखा होगा हमारे जो मक्खन होता है उसमें एक अलग तरह की खुशबू आती है, फ्लेवरिंग की मतलब फ्लेवर आता है, फ्लेवरिंग की खुशबू आती है, तो वो किस कंपाउंड के कारण आती है हमारे बटर में। तो इसका आंसर डाइसिटाइल के कारण। नेक्स्ट हमारा, फर्स्ट क्लोन डोली वास, तो फर्स्ट क्लोन डोली किसकी थी, तो थी सीप की, सीप की बनाई गई थी फर्स्ट क्लोन डोली। तो इसका आंसर है सीप। 13th क्वेश्चन हमारा, बेटर क्वालिटी छेना इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये छेना नहीं है छेना है, बेटर क्वालिटी छेना इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो किससे प्रिपेयर, किसके दूध से अच्छी क्वालिटी का छेना प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गाय के मिल्क से, काउ के मिल्क से। 13th क्वेश्चन है, डोली क्रिएटेड बाय, तो इसका आंसर विलमॉन्ट, क्या है इसका आंसर विलमॉन्ट। 14th क्वेश्चन हमारा, देखिए जो 14 वाला क्वेश्चन है हमारा, ये ध्यान नहीं रखना हमें क्योंकि ओल्ड डाटा है, इसीलिए हमें ध्यान नहीं रखना है। 15th क्वेश्चन हमारा, खोआ कंटेंट्स मिल्क फैट नॉट लेस देन, यानी कि जो हमारा खोआ या मावा बोलते हैं जिसे हम, तो खोआ में कितने कितने प्रतिशत से कम दुग्ध वसा नहीं होनी चाहिए, यानी कितने प्रतिशत से इसमें दुग्ध वसा कम नहीं होनी चाहिए, तो 20% से इसमें वसा कम नहीं होनी चाहिए हमारे खोआ में। 16th क्वेश्चन हमारा, फीमेल लैम्ब इज कॉल्ड, यानी फीमेल लैम्ब को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है ईव, ईव बोलते हैं। ये बाकी की हेफर, रैम और ग्रीमर आदि टर्म भी एनिमल्स में यूज़ किए जाते हैं, ये ग्रीमर का तो नहीं पता लेकिन हेफर रैम यूज़ की जाती है, ये भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो इसका आंसर हमें ध्यान रखना है, फीमेल लैम्ब इज कॉल्ड ईव। 17th क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम शिप पॉपुलेशन इन, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम भेड़ अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 18th क्वेश्चन हमारा, मेरिनो डेवलप्ड इन, यानी मेरिनो बहुत अच्छी भेड़ की शिप की प्रजाति है, तो ये कहाँ पर डेवलप की गई थी, ये डेवलप की गई थी फ्रांस में, फ्रांस में डेवलप किया गया था इसको। 19th क्वेश्चन हमारा, स्टिफ लैम्ब डिशेज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट, यानी स्टिफ एलिमेंट नहीं विटामिन आएगा वहाँ पर, तो स्टिफ लैम्ब डिशेज किसकी डिफिशियंसी से होती है, तो इसका आंसर है विटामिन ई, विटामिन ई की डिफिशियंसी से स्टिफ लैम्ब डिशेज होती है। 20th क्वेश्चन हमारा, गोट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में, देखिए यहाँ पर भी ये पुराना ओल्ड डाटा है इसीलिए हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्मीना उल ऑप्टेन फ्रॉम, तो पश्मीना किससे प्राप्त होता है, गोट से, ध्यान रखना आपको किससे, गोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिकेट्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी रिकेट्स डिशेज किसकी डिफिशियंसी होती है, तो इसका आंसर तो हमें पता है विटामिन बी ट्वेल्व। 23 क्वेश्चन, रानीखेत डिशेज इज, तो देखिए रानीखेत वायरल डिशेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन इन, अब ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल कुछ नहीं, हमें बहुत बार ध्यान रहता है, तो मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में। 25 क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज्ड बाय, देखिए एग की गुणवत्ता पता नहीं लगाने के लिए एक यंत्र होता है जिसे जिससे हम एग की क्वालिटी पता करते हैं, तो उस यंत्र से उसकी एग की क्वालिटी पता करने को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैंडलिंग, क्या कहते हैं, कैंडलिंग, कैंडलिंग कहते हैं उसे, एग की क्वालिटी पता करने को कैंडलिंग कहते हैं। 26 क्वेश्चन हमारा, मीट ऑफ शिप इज नोन एज, तो शिप का जो हमारे शिप का मीट होता है उसे कहते हैं मटन, और पोर्क जो हमारा सुअर होता है स्वाइन उसके मांस को कहते हैं, लेकिन ये जो मटन है ये हमारे शिप के मांस को कहते हैं। 29 क्वेश्चन है, मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव मिल्क, यानी कोऑपरेटिव जो सहकारिता का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो कौन सी है, कुछ कंपनियों के नाम देखे रहे जैसे सिजेंटा है तो केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, तो इसका आंसर है आनंद, आनंद मोस्ट सक्सेसफुल सहकारिता का एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन का, तो इसे एक आंसर आएगा आनंद। नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन हमारा, लेकिन 30 क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जो वीडियो का कंटेंट है वो मैंने स्क्रिप्ट एक साइट है वेबसाइट उससे लिया है, और उसने से भी कब लिया है, मैंने कब डाउनलोड किया, जब मेरी खुद की PDF डाउनलोड की है, यानी कि ये जो मेरा जो वीडियो का कंटेंट है पूरा कंटेंट मेरा नहीं है,
ये मैंने तभी लिया जब मेरी खुद की पीडीएफ मैंने अपलोड की है, तब स्क्रिप्ट ने मुझे डाउनलोड करने की अनुमति दी है। चलिए शुरू करते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री इन, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन पोल्ट्री की किस किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का उत्तर है। 31 क्वेश्चन है, अल्पाइन इज ए ब्रीड ऑफ, यानी अल्पाइन इसकी ब्रीड है, तो इसका आंसर है गोट, गोट की ब्रीड है अल्पाइन। 32 क्वेश्चन है हमारा, मेरिनो वुल शेयर इन वर्ल्ड, यानी जो मेरिनो ब्रीड है उसका शेयर कितना है वर्ल्ड में, वुल के वुल के वुल के हिस्से में, मतलब वुल जो प्रोडक्शन होता है उसमें मेरिनो का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इसका आंसर है 18%। 33 क्वेश्चन हमारा, पास्चुराइजेशन किल्स, यानी पास्चुराइजेशन में किसको मार दिया जाता है, यानी किसकी मतलब किसका पास्चुराइजेशन मेनली किसके लिए किया जाता है, यानी पास्चुराइजेशन किल्स किसको किल्स करता है, तो बैक्टीरिया स्पोर्स अलाइव, बैक्टीरिया स्पोर्स अलाइव इसका आंसर है। 34 क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड्स परसेंटेज बफेलो आर फाउंड इन इंडिया, यानी कि वर्ल्ड्स की कितनी परसेंट बफेलो पाई जाती है इंडिया में, तो 50%, ये कुछ एवरेज हो सकता है 52 हो या 48 हो। 35 क्वेश्चन हमारा, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो इसका आंसर है इज्जत नगर बरेली यूपी, इज्जत नगर बरेली यूपी, ध्यान रखना आपको। 36 क्वेश्चन हमारा, रूमिनेंट्स स्टोमेज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, ऑब्वियसली ये तो सबको याद होगा। 37 क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टोमच रेसेंबल्स टू स्टोमच, यानी वो कौन से रूमिनेंट्स जो अपने जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके कौन से स्टोमच को ट्रू स्टोमच कहा जाता है, यानी कि सच्चा मासिया ट्रू स्टोमच, तो इसका आंसर है एबोमेसम, एबोमेसम इसका आंसर है। 38 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रूमिनेंट, यानी कौन सा जुगाली करने वाला पशु नहीं है, तो इसका आंसर है हॉर्स, हॉर्स इसका आंसर है। 39 है, वेलोविंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी वेलोइंग किसकी टर्म है, यानी किसके किस वेलोइंग किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर है बफेलो, बफेलो के द्वारा। 40 क्वेश्चन हमारा, सेपरेटिंग काफ फ्रॉम इट्स मदर इज कॉल्ड, यानी कि जो जब हम बछड़ा पैदा होता है तो उसके कुछ दिनों बाद उसे उसकी माँ से अलग कर देते हैं, तो इसका आंसर है विनिंग, विनिंग कहते हैं सेपरेटिंग काफ फ्रॉम इट्स मदर, यानी कि मदर से काफ को सेपरेट करना विनिंग कहलाता है। 41 क्वेश्चन है, ओवेरियन साइकिल इन काउ एंड बफेलो इज, तो इसका आंसर है 21 डेज, 21 डेज। 42 क्वेश्चन हमारा, द स्टेज में एनिमल कम्स इन हिट, यानी जब एनिमल हिट में आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रोस्टस, प्रोस्टस कहते हैं इसे। 43 क्वेश्चन हमारा, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन ऑफ फ्यूटस इन काउ इज नोन एज, तो इसका आंसर है काल्विंग, काल्विंग इसका आंसर है। 44 क्वेश्चन हमारा, परचुरेशन, परचुरेशन इन यू इज नोन एज, तो इसका आंसर है लैम्बिंग, लैम्बिंग। 45 क्वेश्चन है, मेमरी ग्लांड्स आर मॉडिफाइड इन, तो इसका आंसर है सुडीरो, सुडेरीफेरस, सुडेरीफेरस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, मेमरी ग्लांड्स आर मॉडिफाइड इन सुडेरीफेरस, सुडीफेरस। 46 क्वेश्चन, देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाए तो माफ करना, मेन मेरा एम है कि आप इसका कुछ पढ़ ले, अपनी बुक्स में नोट डाउन कर ले और इनका आंसर याद रख ले, देखिए कोई डीपली जाने की हमें कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं, और अगर आपको कुछ जानना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। 46 क्वेश्चन है, मेमरी ग्लांड सी ऑर्गिनेट फ्रॉम इक्टोडर्म, इक्टोडर्म है ये जो मेमरी ग्लांड ऑर्गिनेट फ्रॉम, ये वाला क्वेश्चन है, या आप एनिमल हस्बेंड्री की जो पशुओं की संरचना है उसे पूरी जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसका आंसर है इक्टोडर्म, मेमरी ग्लांड ऑर्गिनेट फ्रॉम इक्टोडर्म। 47 क्वेश्चन है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन, यानी जब हमारे भैंस या गाय कुछ भी आयन होता है तो जब दूध आता है उनके थनों में तो मिल्क लेट डाउन किस हार्मोन के कारण होता है, तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। 48 क्वेश्चन हमारा, बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग, यानी बेस्ट मेथड दूध निकालने की कौन सी, तो इसका आंसर है फुल हैंड, फुल हैंड मतलब हम चारों उंगलियां और अंगूठा दो सबको मिलाकर दूध निकालते तो उसे फुल हैंड कहते हैं। देखिए जो स्ट्रिपिंग मेथड है ये वाली मेथड, ये बकरियों में यूज़ की जाती है क्योंकि उनके थन छोटे होते हैं, इसलिए इसका उपयोग बकरियों में किया जाता है, बकरियों में, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर है बेस्ट मेथड फॉर मिल्किंग इज फुल हैंड। 49 क्वेश्चन हमारा, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड प्योर ब्रीड एनिमल्स विद द सेम ब्रीड इज नोन एज आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, ध्यान से समझिएगा इसको। 50 क्वेश्चन हमारा, मेटिंग ऑफ एनिमल्स डिफरेंट ब्रीड्स इज नोन एज, यानी कि डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स को प्रजनन कराना क्या कहलाता है, इसका है क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग है। और देखिए जो इनब्रीडिंग है हमारा, इसमें अंतर्वश प्रजनन व अंतः प्रजनन आते हैं, ध्यान रखना आपको, अंतर्वश प्रजनन और अंतः प्रजनन अगर आपको देखना हो तो एक वीडियो बनाया था मैंने, एक चैनल है उस पर, तो आप समझ लीजिएगा उसको, उस पर देख सकते हैं, वैसे तो ये गूगल कर कर भी आप बता सकते हैं। 51 क्वेश्चन हमारा, व्हेन थ्री ब्रीड्स आर क्रॉस्ड इन ए रोटेशनल मैनर इट्स कॉल्ड ट्रिपल क्रॉसिंग, इट्स कॉल्ड ट्रिपल क्रॉसिंग। 52 क्वेश्चन हमारा, मेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड एनिमल बैक टू वन ऑफ द प्योर पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉसिंग,
53 क्वेश्चन हमारा क्रूड फाइबर इन रफेज, यानी कि जो हमारा रफेज होता है जो पशुओं को खिलाने का चारा होता है उसमें क्रूड फाइबर कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना होता है, तो इसका आंसर है मोर देन 80% क्रूड फाइबर इन रफेज इज मोर देन 18%। 54 क्वेश्चन है टीडीएन इन क्रूड फाइबर, यानी टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट कितना होता है क्रूड फाइबर में, तो इसका आंसर है लेस देन 60%। 55 क्वेश्चन है सेक्यूलेंट फिट कंटेन मॉइस्चर अप टू, यानी जो रसीला चारा होता है उसमें मॉइस्चर अप टू कितने परसेंट तक होता है, तो इसका आंसर 40 से 60%। 56 क्वेश्चन हमारा डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन डीसीपी इन लेग्यूम फोडरी, यानी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन कितना होता है लेग्यूम जो हमारे चारा होता है पशुओं को खिलाने का उसमें, तो इसका आंसर है 2.5 to 3%। 57 क्वेश्चन है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन नॉन लेग्यूम क्रॉप, यानी नॉन लेग्यूम जो हमारे अदलनी क्रॉप्स होते हैं उसमें डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन कितना होता है, तो इसका आंसर 0.5 से 1%। 58 क्वेश्चन हमारा मॉइस्चर कंटेंट इन है, यानी कि जो हमारी है होती है उसमें नमी कितने परसेंट होती है या होनी चाहिए, तो इसका आंसर 50 to 20%। 59 क्वेश्चन है साइज ऑफ कालिंग बॉक्स, यानी कालिंग बॉक्स की साइज कितनी होती है, तो 100 से 150 स्क्वायर फीट। 60 क्वेश्चन है बिगेस्ट एंड मेजेस्टिक गोट ब्रीड इन, यानी बिगेस्ट एंड मेजेस्टिक गोट ब्रीड कौन सी है जमुनापारी। 61 क्वेश्चन है जमुनापुरी नेटिव ऑफ, तो इसका आंसर है यूपी, यानी जमुनापुरी का ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइट कहाँ से हुई थी, तो इसका आंसर है यूपी उत्तर प्रदेश। 62 क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ ओस्ट्रेस इन गोट, यानी ओस्ट्रेस साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है हमारी बकरी में, तो इसका आंसर 24 to 48 hours ध्यान रखना आपको। 63 क्वेश्चन न्यूट्रिएंट कन्वर्सेशन इफिशियंसी फॉर मिल्क प्रोडक्शन ऑफ डेयरी काउ, यानी जो हमारे न्यूट्रिएंट कन्वर्सेशन देखिए मतलब कि जो हमारी एक डेयरी काउ होती है डेयरी की जो गाय होती है उसमें अपने जो आहार होता है उसको पचाने की क्षमता कितनी होती है, तो न्यूट्रिएंट कन्वर्सेशन इफिशियंसी बोलते हैं उसे, तो इसका आंसर है 38% इसका आंसर आएगा। 64 क्वेश्चन हमारा न्यूट्रिएंट कन्वर्सेशन इफिशियंसी फॉर गोट, यानी कि पाचन क्षमता कितनी होती है गोट की आहार की पाचन क्षमता आहार को पाचन करने की क्षमता कितनी होती है हमारी बकरी में, तो इसका आंसर है 45 से 71%। 65 क्वेश्चन हमारा फिट कन्वर्सेशन रेशियो इन पिगीज, तो इसका आंसर है 3 किलोग्राम में पूरा आप देख लीजिएगा यहाँ पर 3 किलोग्राम इसका आंसर है। 66 क्वेश्चन हमारा पबर्टी एज इन पिग्स, देखिए पबर्टी एज वो बोलती है वो होती है जब हमारा जैसे कि मान लो गाय है तो जब वो गर्भधारण पहली बार करती है तो उसे उसकी पबर्टी एज बोलते हैं, तो इस पिग में हमारे स्वर में कितनी होती है 6 से 8 मंथ्स। 67 क्वेश्चन है ओस्ट्रेस साइकिल इन पिग, ओस्ट्रेस साइकिल कितने दिनों का होता है पिग में, तो 21 डेज इसका आंसर है। 68 क्वेश्चन है रहोड़ आइसलैंड रेड इज नेटिव ऑफ, देखिए रहोड़ आइसलैंड एक हेन की ब्रिड है तो ये इसका ओरिजिनेट कहाँ पर होता है नेटिव कहाँ, तो इसका आंसर है इंग्लैंड। 69 क्वेश्चन है लेगहॉर्न इज ए मेडिटेरियन क्लास, देखिए लेगहॉर्न एक हेन की ब्रिड है जो कि एसीटेक क्लास में नहीं आती, एसीटेक क्लास में दूसरी ब्रीड से आती है, इंग्लिश क्लास में नहीं आती है, लेकिन ये मेडिटेरियन क्लास में आती है लेगहॉर्न इन दी। दूध ज्वर किसकी कमी से पशु में होता है, यानी कि मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है हमारे पशुओं में, तो इसका उत्तर है कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वर हमारे पशुओं में रोग होता है। और एक बात हमको याद रखनी है कि जो कैल्शियम की कमी कब होती है काल्विंग के वक्त है, जब हमारे पशु भी आते हैं तब कैल्शियम की कमी होती है तभी दुग्ध ज्वर की शिकायत रहती है हमारे पशुओं में। सेकंड क्वेश्चन हमारा पशु में लंगड़ी रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो पशु में लंगड़ी रोग क्लास्ट्रिडियम सोवियाई के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया क्लास्ट्रिडियम सोवियाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें हमें याद रखना है कि जो लंगड़ी रोग होता है वो लंगड़ी रोग अधिकतर बरसात के वक्त होता है, वर्षा ऋतु में अगर आपसे पूछ ले कि पशुओं का कौन सा रोग वर्षा ऋतु में होता है तो लंगड़ी रोग वर्षा ऋतु में होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा पशु के आठ स्थायी दांत किस आयु में निकल आते हैं, तो पशु के आठों स्थायी दांत 5वें वर्ष में निकल आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जामुनापारी बकरी किस जनपद में पाई जाती है, तो जामुनापारी बकरी इटावा जनपद में पाई जाती है। और जामुनापारी बकरी के बारे में यहाँ भी याद रखना है कि जामुनापारी बकरी उसे ग्रामीण बकरी कहते हैं क्योंकि इसे अधिकतर ग्रामीण इलाकों में पाला जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा वर्ष में 2 बार बच्चे देने वाली बकरी की नस्ल है, तो ये तो हमको पता है बर्बरी वर्ष में 2 बार बच्चे देती है, और बर्बरी को सिटी गोट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करती, इसे खूंटे पर बांध कर भी हम इससे दूध प्राप्त कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा कौन सी भेड़ की नस्ल कालीन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, कालीन के लिए विश्व भर में कारपेट के लिए मतलब कौन सी भेड़ प्रसिद्ध है, तो बीकानेरी। आपको यहाँ बता दूँ कि जो बीकानेरी है वो राजस्थान की सर्वोत्तम भेड़ है,
इसे अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सर्वोत्तम भेड़ कौन सी है तो है बीकानेरी। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, भेड़ का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो भेड़ का औसत गर्भकाल होता है 150 दिनों का। कितने दिनों का? 150 दिनों का। और यहाँ भी ध्यान रखना आपको कि जो हमारी काऊ होती है उसका गर्भकाल होता है 280 डेज का, बफेलो का होता है 310 डेज का, और गोट का भी होता है हमारी 150 दिन का, ध्यान रखना आपको। एट्थ क्वेश्चन हमारा, भैंस के दूध में औसतन कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो भैंस के दूध में औसतन 6% वसा पाई जाती है, और जो हमारी गाय होती है उसके दूध में अधिकतर औसतन पाई जाती है 3.5% वसा। और अगर सबसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है तो पाई जाती है भदावरी के दूध में। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन है, अच्छी क्रीम में दुग्ध वसा की मात्रा कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? एक जो एक हमारी अच्छी क्रीम होती है उसमें दुग्ध वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए फैट की? तो होनी चाहिए 25%। कितने प्रतिशत? 25%। और एक बात और हमें याद रखनी कि जो दुग्ध वसा जो क्रीम निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। टेंथ क्वेश्चन हमारा, NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इलेवंथ क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। और आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मुर्गियों की संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो भी आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। और सेकंड में है कौन सा राज्य अंडा उत्पादन में? तमिलनाडु। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा, मुर्गी औसतन कितने माह में अंडे देना प्रारंभ कर देती है? तो मुर्गी आपको बता दूं औसतन 6 माह से अंडे देना प्रारंभ कर देती है, एक स्वस्थ मुर्गी। और अगर आपसे पूछ ले कि एक औसतन अंडे का भार कितना होता है यानी कि सामान्य अंडे का भार, तो होता है 58 ग्राम, 58 ग्राम होता है एक औसतन अंडे का भार, ये भी पूछ लिया जाता है हमसे। 13 क्वेश्चन हमारा, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किस कारण होती है? तो रानीखेत बीमारी विषाणु के कारण होती है मुर्गियों में, ध्यान रखना आपको। 14 क्वेश्चन हमारा, साइलेज बनाने हेतु सर्वोत्तम फसल कौन सी होती है? तो साइलेज बनाने हेतु सर्वोत्तम फसल होती है मक्का। कौन सी होती है? मक्का, ध्यान रखना आपको। 15 क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक मृत्यु दर पशुओं के किस रोग में होती है? तो सबसे अधिक मृत्यु दर होती है लंगड़ी रोग में, ब्लैक क्वार्टर इसका इंग्लिश नेम है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि ये बारिश के टाइम होता है, और क्लास्ट्रिडियम सोयुआई इसका रोग कारक है बैक्टीरिया। 16 क्वेश्चन हमारा, 16 क्वेश्चन अगली स्लाइड में देखते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा, बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है? तो बकरी सानेन को दूध की रानी कहा जाता है, सानेन को। और यहाँ भी ध्यान रखना हमें कि जो सानेन बकरी है वो विदेशी नस्ल है, ये हमारे देश की नस्ल नहीं है। 17 क्वेश्चन हमारा, दूध का पीएच मान लगभग होता है? तो दूध का पीएच मान लगभग होता है 6.5 से 6.8। और किसी बुक में 6.8 भी होता है लेकिन 6.5 से 6.8 के लगभग होता है। 8th क्वेश्चन हमारा, पशु की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो पशु की खोपड़ी में कुल 30 हड्डियाँ पाई जाती है। और आपको बता दूँ कि जो टोटल हड्डियाँ पाई जाती है हमारे जो पशु के शरीर में वो 180 बोन्स पाई जाती है, 180 हड्डियाँ पाई जाती है, ध्यान रखना आपको। 19 क्वेश्चन हमारा, जुगाली करने वाले पशुओं के अमाशय के कौन से भाग को मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है? तो रेटिकुलम, जो कि सेकंड अमाशय है, 4 भागों में बटा होता है, तो रेटिकुलम को मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है। 20 क्वेश्चन हमारा, गाय के दोनों सिंगों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो गाय के दोनों सिंगों के मध्य का भाग कहलाता है चांद, जो सर पर होता है दोनों सिंगों के मध्य, चांद कहलाता है। 21 क्वेश्चन हमारा, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को, वर्ल्ड वेटरनरी डे भी बोलते हैं इसको। 22 क्वेश्चन हमारा, गाय व भैंस के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो गाय व भैंस के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 23 क्वेश्चन हमारा, नवजात गौ पशुओं में रुमेन का विकास होने में कितना समय लगता है? यानी कि जब हमारे बछड़े जन्म लेते हैं तो उनके जन्म लेने से कितने सप्ताह में उनके रुमेन का विकास हो जाता है? तो होता है 4 सप्ताह में। इसका उत्तर है 14 सप्ताह में हो जाता है उनका रुमेन का विकास। 24 क्वेश्चन हमारा, किस भैंस का रंग तांबे जैसा रंग पाया जाता है? तो किसका तांबे जैसा रंग होता है? भदावरी का। भदावरी के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि भदावरी के दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाए जाते हैं, फैट पाया जाता है, और जो भदावरी है उसके ही सींग हसिया आकार के होते हैं। और यहाँ भी ध्यान रखना कि भैंस में गलकम्बल नहीं पाया जाता है, हमारी जो भैंस होती है उसमें गलकम्बल नहीं पाया जाता है, इसमें भैंस में अदरवक्ष विकसित होता है। 25th क्वेश्चन हमारा, गाय की किस नस्ल को मोंटगोमरी, मुल्तानी, लंबीबार आदि नामों से बुलाया जाता है? तो साहीवाल को
मोंटगोमरी, मुल्तानी और लंबी बार आदि नामों से बुलाया जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो साहिवाल है उसका उत्पत्ति स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान है। मोंटगोमरी पाकिस्तान में एक स्थान है इसीलिए इसका नाम मोंटगोमरी बुलाया जाता है। 26 क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक तथा कृत्रिम गर्भाधान में अनुपात होता है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम गर्भाधान में अनुपात होता है 1:10। कितना रेशियो होता है? 1:10। और आपको एक बात, हो ये ऊपर वाला क्वेश्चन भूल गए थे हम, एनिमल इंश्योरेंस स्कीम पशु बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पशु योजना प्रारंभ हुई थी 1974 में। और ये तो देख लिया हमने, प्रकृति और कृत्रिम गर्भाधान में अनुपात 1:10। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान हुआ था वो हमारे भारत में 1942 में इज्जत नगर बरेली यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रजनन प्रणाली से पशुओं की जनन क्षमता में कमी आती है? तो अंतर्वंश प्रजनन, लाइन ब्रीडिंग से हमारे जो पशु होते हैं उनके प्रजनन क्षमता में कमी आती है और भाड़ होने की क्षमता में भी कमी आती है। लाइन ब्रीडिंग आता है इन ब्रीडिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इन ब्रीडिंग के अंतर्गत। इसमें 5 से 6 पीढ़ी के संबंधित पशुओं को प्रजनन किया जाता है। 29th क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा, 29th क्वेश्चन हमारा, नर पशुओं को बधिया करने के काम आता है, तो बड़ी जो कास्टेटर काम आता है नर पशुओं को बधिया करने के, ये तो आपने पढ़ा होगा अगर एग्रीकल्चर की क्लासेस ली होगी तो। 13th क्वेश्चन है हमारा, वहाँ कौन सा रोग है जो मुख्यतः गाय में होता है, यानी मुख्यतः हमारे काऊ में होता है, केटल में? तो होता है पशु प्लेग रोग। पशु प्लेग रोग रिंडरपेस्टिस का इंग्लिश नेम है, ये अधिकतर हमारी गाय में होता है। 31st क्वेश्चन हमारा, विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंडा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 32 क्वेश्चन हमारा, किस नस्ल की बकरी का प्रयोग भाड़ होने के लिए किया जाता है? तो आसाम हिल का प्रयोग भाड़ होने के लिए किया जाता है। 33 क्वेश्चन हमारा, पाश्चुरीकृत दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करना चाहिए? तो पाश्चुरीकृत दूध को भंडारित करना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 34th क्वेश्चन हमारा, वह कौन सी भेड़ है जिसके लंबे कान होते हैं? तो देखिए, जो लोही भेड़ है उसके इतने लंबे कान होते हैं, और जहाँ तक इतने लंबे कान होते हैं कि वो जब चलती है तो ज़मीन से टकराते हैं कुछ कुछ, तो किसके होते हैं सबसे लंबे कान? वो होते हैं लोही भेड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, एक वयस्क पशु 24 घंटे या एक दिन में कितने घंटे जुगाली करता है? औसतन तो करता है 8 घंटे, एक दिन या 24 घंटे में करता हूँ 8 घंटे जुगाली। 36th क्वेश्चन हमारा, 36th क्वेश्चन हमारा, क्रोमनिति विधि के द्वारा अशुद्ध नस्ल के पशु को कौन सी पीढ़ी में शुद्ध किया जा सकता है, यानी कि ग्रेडिंग अप विधि बोलते हैं हम क्रोमनिति को इंग्लिश में, तो इसमें 7वीं पीढ़ी में पशु को शुद्ध नस्ल में बदला जा सकता है। 37th क्वेश्चन हमारा, वीर्य एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि का कितना तापक्रम होना चाहिए? तो वीर्य एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि का तापक्रम होना चाहिए 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। 38th क्वेश्चन हमारा, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दूध में एफी आयरन की कमी पाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो केसिन के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? केसिन के फॉर्म में। 39th क्वेश्चन हमारा, गाय भैंस में अग्रदाड़ों प्रीमोलर टीथ की संख्या क्या होती है? प्रीमोलर टीथ लिखा है इस तरह, प्रीमोलर टीथ की संख्या क्या होती है? तो होती है 12, 6 तो अपर जा में और 6 नीचे के जा में। 40th क्वेश्चन हमारा, टोगनबर्ग बकरी की नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? तो इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। 41 क्वेश्चन हमारा, 41 क्वेश्चन हमारा, सॉरी यहाँ पर मैंने 51 से वो मिस्टेक हो गया, मैंने 41 की जगह 51 से ले लिया है, तो चलिए देखते हैं 51 से ही देख लेते हैं। थनेला रोग दुधारू पशु के किस अंग में होता है? तो थनेला रोग होता है पशु के दुग्ध ग्रंथियों में। कहाँ पर होता है? दुग्ध ग्रंथियों में। अगर आपको अयन दे दे तो अयन मत कर देना आप, दुग्ध ग्रंथियों में होता है थनेला रोग। 52 क्वेश्चन हमारा, गाय की किस उम्र में सारे दांत निकल आते हैं, यानी कि सारे फुल माउथ स्टेज कौन सी होती है हमारे पशुओं की? जब सारे दांत हमारे पशुओं के मुंह में निकल आते हैं तो उसे फुल माउथ स्टेज बोलते हैं, तो होती है 5 वर्ष। कौन सी होती है? 5 वर्ष फुल माउथ स्टेज होती है, इसी में सारे दांत निकल आते हैं। देखिए हमारे जो पशु है गाय व भैंस, इसमें तो 5 से 6 वर्ष होती है फुल माउथ स्टेज, और जो हमारी बकरी व भेड़ है इसमें 4 वर्ष होती है फुल माउथ स्टेज। फुल माउथ स्टेज उसे कहते हैं इसमें पूरे दांत मुंह में निकल आए। 53rd क्वेश्चन हमारा, 53 क्वेश्चन है, पश्मीना किससे प्राप्त होता है? तो पश्मीना प्राप्त होता है कश्मीरी बकरी से। 54th क्वेश्चन हमारा, गाय के सिंग पर 4 छल्ले बने होने पर उसकी आयु क्या होगी? तो गाय के सिंग पर 4 छल्ले बने पर उसकी आयु होगी 6 वर्ष।
अगर हमें कोई भी छल्ले दिए हो, कितने भी छल्ले दिए हो और एज पता करना हो तो उनमें 2+ कर देंगे। 55th क्वेश्चन हमारा, गलघोटू किस कारण पशुओं में होता है? तो गलघोटू होता है पश्चुरेला बोविसेप्टिका के कारण, पश्चुरेला बोविसेप्टिका कारक के कारण। 56th क्वेश्चन हमारा, गोसदन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो गोसदन योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में, कब? 1952 में। 57th क्वेश्चन हमारा, कौन सी बकरी की नस्ल मांस के उद्देश्य से पाली जाती है? तो ब्लैक बंगाल मांस के उद्देश्य से पाली जाती है। ब्लैक बंगाल के बारे में यहाँ भी ध्यान रखना आपको कि जो ब्लैक बंगाल है वो सबसे छोटी नस्ल होती है, मतलब आकार में छोटी होती है। अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सी बकरी की नस्ल आकार में छोटी होती है तो ब्लैक बंगाल। 58th क्वेश्चन हमारा, स्कोर कार्ड के अंकों का योग क्या होता है? तो स्कोर कार्ड यानी कि जिसे हम गुणांकन पत्रक बोलते हैं उसके स्कोर कार्ड के अंकों का योग होता है 100। 59th क्वेश्चन हमारा, 9th क्वेश्चन हमारा यानी कि 49, 50 हो जाएंगे हमारे टोटल क्वेश्चन। सहकारी साख समिति अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये 1904 में बनाया गया था। ये सहकारी साख समिति अधिनियम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी डेयरी की समितियाँ बनी थी सहकारी, तो इसीलिए इसे लिया गया। तो 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था, बना था। 60वां क्वेश्चन हमारा, मतलब 50वां, किल दंत किस में पाए जाते हैं? तो किल दंत पाए जाते हैं सुअर में, और किस में नहीं पाए जाते हैं? ये हमारे गाय भैंस बैल बकरी आदि में नहीं पाए जाते हैं, सुअर में पाए जाते हैं किल दंत। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।